एरिया 51 से एक अनजान कॉलर ने रेडियो शोस्ट 8 बेल को शो के दौरान कॉल किया। कॉल करने वाला शख्स सच से ज्यादा घबराया हुआ था। वह अपने आप को एरिया 51 का एक एम्प्लॉय बता रहा था। एक एम्प्लॉय ने 8 बेल को एरिया 51 के बारे में होश उड़ाने वाले सीक्रेट राज बताना शुरू किया था कि अचानक से सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गए और उस अनजान कॉलर से कनेक्शन टूट गई। लेकिन 7 महीने बाद उस अनजान कॉलर की फिर से कॉल आई। नमस्कार दोस्तों, जुलाई 1947 में अमेरिका में यूएफओस को लेकर एक बड़ा ट्रेंड था। पूरे देश में लोगों ने आसमान में फ्लाइंग सॉसर्स यानी यूएफओस को उड़ते हुए देखा है। इस ट्रेंड की शुरुआत 24 जून को हुई थी, जब अमेरिकन प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने दावा किया कि उन्होंने सियाटल शहर के पहाड़ी के नजदीक 9 चमकीले यूएफओस को उड़ते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि वह बड़ी तेज उड़ रहे थे और उनकी स्पीड करीब 2000 किलोमीटर पर आवर थी। और थोड़े ही दिनों में पूरे अमेरिका के कोने कोने से खबर आने लग चुकी थी कि लोगों ने आसमान में यूएफओस को उड़ते हुए देखा है। न्यू मैक्सिको स्टेट में एक आदमी था जिसका नाम था मैक ब्राजेल। उसे याद आता है, उसने अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा पड़ा हुआ देखा था, एक टीन फॉइल, रबर और पतरी सी वुडन बीम्स। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या है। उसे लगा कि ये सबका वह यूएफओ वाले ट्रेंड से कोई संबंध है, तो उस मलबे को उठाकर 7 जुलाई को रोजवेल शेरिफ के पास ले आया। और इन सब के बीच ध्यान पड़ा एक आर्मी ऑफिसर कर्नल विलियम ब्लैंचर्ड, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के। उसने कहा कि अभी तक जो अफवाह सुनी जा रही थी फ्लाइंग डिस्क को लेकर, यह अब हकीकत बन चुकी है। यूएस आर्मी ने पूरे अमेरिका में ऐलान किया कि उन्हें यूएफओस का सबूत यानी एलियंस का ठिकाना मिल गया है। फिर पूरे अमेरिका में हल्ला मच जाता है। लोगों में यूएफओस को लेकर बड़ा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। जनता भी जानना चाहती थी और यूएस आर्मी इस यूएफओ इंसिडेंट्स को सीक्रेट रखना चाहती है। फिर अगले ही दिन यूएस आर्मी के ऑफिसर्स एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं कि यह जो मलबा हमारे पास लाया गया है वह असल में एक वेदर बलून का है, ये कोई यूएफओस का मलबा नहीं था। फिर जनता ने भी सबूत मांगना चालू किया। यूएस आर्मी ने प्रूफ के तौर पर मेजर मार्शल की इन वेदर बलून्स के साथ वाली फोटोज को रिलीज कर दी। इसके बाद लोगों को ये लगा कि यह कोई यूएफओस नहीं है, ये तो बस अफवाह थी। इसके बाद यह न्यूज ठंडी पड़ जाती है। लेकिन कई साल बाद 1979 में न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान में एक एलियन क्राफ्ट उड़ता हुआ दिखा है और उस रेगिस्तान में यूएफओस पर बिजली कड़कती है और वह क्रैश हो जाता है और बहुत सारे एलियंस की मौत भी हो जाती है। और उसमें से एक एलियन जिंदा पाया गया था और यूएस आर्मी ने उस एलियन को एक टॉप सीक्रेट जगह पर जाकर रख दिया और उस टॉप सीक्रेट जगह का नाम है एरिया 51। अगर आप गूगल मैप में एरिया 51 को देखोगे या फिर सैटेलाइट से खींची हुई तस्वीरों को देखोगी तो वह लोकेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा। पर बहुत लोगों का ये मानना है कि ये जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है और एरिया 51 के नीचे एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल मौजूद है। और उस एरिया 51 को नजदीक से देखने पर हमें बहुत सारे दरवाजे वाले एंट्रेंस भी देखने को मिलेंगे, जो कि इससे साफ साफ दिखता है कि यह अंडरग्राउंड से कनेक्ट है। साल 1918 में मेजर मार्शल एक किताब लिखते है द रोजवेल इंसिडेंट्स नाम से, और कहते हैं कि जो मलबा इन्होंने देखा वह कुछ ऐसा नहीं था जो धरती पर बना हो, वह इस दुनिया का लग ही नहीं रहा था। और तब से लेके आज तक रोजवेल इंसिडेंट्स की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जाती। यूएस आर्मी कोशिश कर रही है एलियंस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की और एलियंस लाइफ पर रिसर्च करने की। एक आदमी था जिसका नाम था बॉब लेजार और वह कहता है कि वह एरिया 51 में पहले काम करता था और उसकी पोस्टिंग एरिया 51 में S4 नाम के डिपार्टमेंट में थी। उसका यह कहना है कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस की जो व्हीकल्स थी उस पर स्टडी किया जाता था। उसने यह भी कहा कि एरिया 51 की एक टीम यूएफओस और एलियंस को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे। यहाँ पर उन्होंने एलियंस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करी और इनका काम था एलियंस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करना और हमारी आज की टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाना और उसका इस्तेमाल करना। एलियंस यूएफओ को बिना फ्यूल के हवा में कैसे उड़ाते थे, उनके हिसाब से उन्होंने 1989 में ये डिस्कवर किया था कि एलियंस के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते हैं। उन पर कई महीनों तक डिटेल्ड रिसर्च हुआ था। उनके हिसाब से उनके स्पेसक्राफ्ट में ऐसा मेटल यूज होता था जिसका वेट है करीब 150 एटॉमिक वेट, जो कि अननोन था उस समय, और वह ऐसा मेटल था जिसे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था। इस पॉडकास्ट को सुनकर एक मैटी रॉबर्ट्स नाम का कॉलेज स्टूडेंट बड़ा इंस्पायर फील करने लगा। उसने कहा कि भाई क्या छुपा रही है सरकार, हम भी जानना चाहते हैं। अगर हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे तो सरकार हमें रोक लेगी, हमारा मुंह बंद करा लेगी। लेकिन हम भीड़ में सारी जनता एक साथ जाए एरिया 51 में तो कैसे रोकेगी सरकार। इसने एक फेसबुक इवेंट बनाया जिसका नाम था स्टॉप एरिया 51। इस इवेंट में इसने लिखा कि हम सब साथ मिलते हैं एरिया 51 पर रात को 3 बजे 20 सितंबर 2019 को, साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं कि कैसे अंदर घुसा जाए इस टॉप सीक्रेट फैसिलिटी के। ये फेसबुक इवेंट एक जोक इवेंट था, यानी मजाक में बनाया गया था। इसमें कुछ अजीबोगरीब चीजें भी लिखी गई हुई थी।
जैसे कि हम सब नारुतो की तरह भागेंगे। अगर मिलिट्री के जवान हम पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, तो हम उनसे तेजी से बचकर निकल सकते हैं। अगर हम नारुतो की तरह भागे, ये तो क्लियर हो गया था कि ये फेसबुक इवेंट एक मजाक में बनाया गया था। फिर भी लोगों में यूएफओस को लेकर इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि लोगों ने चीजें सीरियसली लेना शुरू किया और 2 मिलियन लोगों ने फेसबुक इवेंट से जुड़कर एरिया 51 पे जाने का फैसला किया। और वह कॉलेज स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट्स डर गया और उसने एक स्टेटमेंट रिलीज की, दिस इज अ जॉक इवेंट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ पीपल डिसाइड टू एक्चुअल स्टॉर्म एरिया 51। अभी जो 2 मिलियन लोग जिन्होंने डिसाइड किया था एरिया 51 में आने के लिए, वह इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि ये एरिया एक्चुअल में रेगिस्तान के बीचों बीच है। दूर दूर तक कुछ नहीं है। दिन में यहाँ तापमान 40 डिग्री के ऊपर होता है गर्मियों में। उस रेगिस्तान से एक हाईवे निकलता है जो करीब 250 किलोमीटर लंबा है, लेकिन वहाँ पर आपको एक भी व्हीकल्स नहीं दिखेंगे। इस रेगिस्तान में एरिया 51 के पास एक छोटा सा रेचल नाम का गांव मौजूद है। इस गांव में सिर्फ और सिर्फ 54 लोग ही रहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एरिया 51 के आसपास भटकना भी इनलीगल है। दोस्तों, एरिया 51 से 8 किलोमीटर दूर बहुत सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं, उस पर बार बार वार्निंग लिखा है। जिन लोगों को यहाँ किसी काम से लाना होता है, तो पहले उनकी टॉप लेवल पे सिक्योरिटी क्लियरेंस करी जाती है और उसके बाद उनको लास वेगास से एक स्पेशल आर्मी प्लेन में लाया जाता है। ये एरिया 51 अमेरिका में लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल जमीन के अंदर है। इस जमीन का नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और 12,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ एरिया है। और अमेरिका ने साल 1950 से लेकर साल 1919 में न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करी थी वहाँ पर। एक किताब एरिया 51 एन अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिका टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस जो लिखी है एनी जेकोबसन ने, वह बताती है कि कैसे उन्होंने सीक्रेट बेस ढूंढा जो नेवाडा के एक सूखे हुए ग्रूम लेक के बीच में था। वह जगह इतनी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि सरकार यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग यानी न्यूक्लियर हथियारों को फोड़ रही थी। एरिया 51 में स्पाई एयरक्राफ्ट बनाने का काम चलता था। बात करें उस जॉक फेसबुक इवेंट की जहाँ पर 2 मिलियन लोग आने वाले थे एरिया 51 पे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6,000 लोग ही आए। और एरिया 51 का ये इवेंट एक म्यूजिक पार्टी इवेंट बन चुका था जिसका नाम था एलियंस पार्टी और 6,000 लोगों ने मिलकर पार्टी करी। दोस्तों, समझने वाली बात तो ये है कि वो कॉलेज स्टूडेंट के जोक इवेंट के कारण यूएस गवर्नमेंट को पुलिस फोर्स लाने में जो खर्चा हुआ वह करीब $3 लाख था। टॉप डॉक्यूमेंट्री कंपनी बीबीसी न्यूज वह भी एरिया 51 में जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी और उसकी टीम वहाँ पर गई तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया और उन सारे टीम मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया और बीबीसी न्यूज को कई डॉलर्स का फाइन भी पे करना पड़ा। Identified themselves as YouTubers who acknowledged they saw the no trespassing signs at the Mercury Highway entrance, but went in anyway. They have been charged with trespassing. दोस्तों, आप एरिया 51 के पास तो जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर जाने की गलती कभी भी मत करना, क्योंकि अभी भी वहाँ पर टॉप क्लास सिक्योरिटी मौजूद है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।